नमस्कार दोस्तों, SS पोल्ट्री फार्मिंग एंड राइडिंग ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पीछे वाली वीडियो में हमारा जो एक फार्म का जो निपल की फिटिंग की रिपेयरिंग चल रही थी, उसका काम कंप्लीट हुआ था, वो हमने आपको दिखा दिया था। दूसरे फार्म में भी आप देख सकते हैं, निपल की जो फिटिंग का काम है, जो रिपेयरिंग हमने की थी, वो हो चुका है। अब इसमें जो काम बचा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी फिनिशिंग और जो लाइन का लेवल है, वो काम इसमें बचा है। तो वो भी अभी हो जाएगा कि लाइन के लेवल को एक ही लेवल में सीधी स्ट्रेट लाइन हो, जिससे कि फार्म में जब लाइन नीचे उतारते हैं तो जब बर्ड्स हैं तो उनको कोई पानी में दिक्कत ना हो, निप्पल की लाइन ऊंची या नीची ना रहे, तो उस हिसाब से इसको सेट कर लिया जाएगा। दूसरी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि जो आप अपने फार्म में कूलिंग फैन जो लगाते हो, या बाकी ऐसी जो चीज़ें हैं जो रेगुलर आपके पोल्ट्री शेड में चलती रहती हैं, रेगुलर आपको काम आती रहती हैं, तो उन चीज़ों को आप साफ़ ज़रूर करें। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, जब बर्ड फार्म में रहता है तो धूल काफ़ी उड़ती है, और कहीं कोई बारिश की बूंदें हैं, कहीं कुछ होने की वजह से यहाँ जो नीचे आपकी ये जो सरफेस है, इसमें पूरी मिट्टी आकर के जम जाती है, और जैसे ही वो मिट्टी नमी पकड़ती है तो धीरे धीरे आपके जो फैन की जो नीचे की चादर है उसको ख़त्म करना वो शुरू कर देती है। और दूसरा, आपके जो फैन हैं, इनकी जो ताड़ियां हैं, इनमें भी पूरी धूल मिट्टी जम करके इकट्ठी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि यदि आपके किसी फ्लोक में कहीं कोई दिक्कत आई हुई होती है तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको फेस होती है कि नेक्स्ट जो आप फ्लोक डालते हो तो वो बैक्टीरिया तो आपके फैंस पे रहता ही है, और उससे आगे जो फ्लोक आप डालते हो उसमें कहीं ना कहीं नमी के साथ मिक्स होकर के वो बैक्टीरिया फिर पनपना शुरू हो जाता है। और पोल्ट्री शेड में सबसे मेन आपको जो ध्यान रखना होता है, वो बायो सिक्योरिटी का ही ध्यान रखना होता है। हर एक चीज़ को आप साफ़ सुथरा रखें, टाइम टू टाइम उनको मेंटेन करते रहें, टाइम टू टाइम उनकी सफाई करते रहें, उनको टाइम से डिसइनफेक्ट करते रहें, जिससे कि आपका एक फ्लोक का बैक्टीरिया दूसरे फ्लोक में न आए। पोल्ट्री शेड में सबसे मेन यही ध्यान रखना होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान बर्ड का इसी वजह से होता है कि जो हमारे फ्लोक डालते हैं, एक फ्लोक के बैक्टीरिया दूसरे फ्लोक में पनपने लग जाते हैं, जिससे मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है, बर्ड अच्छी ग्रोथ नहीं लेता, तो काफ़ी कुछ नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं। तो उन चीज़ों का यही एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप हर एक चीज़ को टाइम से साफ़ करते रहें, वेल मैनेज तरीके से उनको रखें, जिससे कि साफ़ करोगे, सफाई रखोगे तो आपकी जो इक्विपमेंट लगे हैं उनकी एज भी बढ़ेगी, लंबा चलेंगे, और आपके बर्ड भी अच्छी ग्रोथ लेंगे, बैक्टीरिया लोड कम होगा। तो इसमें आपको सारे ही फायदे हैं, करना कुछ नहीं होता, आपको टाइम टू टाइम इन सब चीज़ों की सफाई करनी होती है। फैन हैं आपके, कूलिंग पैड हैं, कूलिंग पैड को भी आप हर 10 दिन से आप उनमें पानी चलाते रहें। यदि आपके फार्म में बर्ड्स नहीं है तो भी हर 10 दिन से आप उनमें पानी चलाएं, जिससे शेड में क्या चूहे तो होते ही हैं, तो जैसे उनमें रेगुलरली आप पानी चलाते रहोगे तो वो चूहे पैड को, आपके पैड को नहीं काटेंगे। पैड जब लंबे समय तक सूखा होता है तो चूहे भी उसको कुतरना शुरू कर देते हैं, तो उसमें आप टाइम टू टाइम पानी चलाते रहें। दूसरा जो है, आप अपने पोल्ट्री शेड में ये ध्यान कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पोल्ट्री शेड आपने लगा रखा है, इसी शेड यदि आपका है तो उसमें आपको काफ़ी मोटर वगैरह होती हैं, जो फीडिंग लाइन की मोटर्स होती हैं, जो कूलिंग फैंस की मोटर होती हैं, और जो हमारी पैड की मोटर होती हैं, तो उनमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि यदि आपकी कंपनी फिटिंग की मोटर हैं, चल रही हैं, तब तक बढ़िया है, और जैसे ही वो मोटर एक बार यदि आप उसकी वाइंडिंग करवा लेते हो, या आपको कहीं लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप उनको हर 6 महीने में एक बार उनकी सर्विसिंग ज़रूर करवा लें। यदि एक बार वो रिपेयर हो चुकी है तो उनमें आप एक बार सर्विसिंग टाइम टू टाइम उनमें करवाते रहें, उनके बैरिंग हैं, उनमें तेल वगैरह है, ऑयल वगैरह उनका चेक करवा लें। तो यदि ऐसा आप करोगे तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं, आपकी जो मोटर्स हैं, आपका जो पार्ट्स हैं, उनकी एज बढ़ जाएगी इससे, और वो लंबे समय तक चलेंगी, उनकी दोबारा आपको वाइंडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि बार बार जब किसी भी चीज़ की वाइंडिंग होनी शुरू हो जाती है तो वो ज़्यादा चल नहीं पाती है अच्छे से, और जो हमारी मोटर वगैरह हैं इनका जलने का कारण यही होता है कि हम उनको टाइम से उनकी सर्विसिंग नहीं करवाते हैं, उनका ऑयल वगैरह चेंज नहीं करवाते हैं, कोई उनमें बैरिंग वगैरह पुराने हो जाते हैं तो वो भी हम चेंज नहीं करवाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको इन सब प्रॉब्लम्स का सामना न करना पड़े। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी जानकारी से आपको फ़ायदा होता हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस का जो ऑप्शन को चालू कर लें जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें, और आपको पोल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।